Assalamu alaikum, how are you all? Today I have come with another interesting video. और आज बिल्कुल different video है मेरी, different look है. और आज हम बनाने जा रहे हैं coffee because winter season है and everyone loves coffee and especially I really love and जब भी मैं अपने भाई के घर आती हूँ तो मैं coffee ज़रूर पीती हूँ, मेरी भाभी बना के देती हैं. So आज वो coffee अच्छा टेस्ट होता है. उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ. आप देख सकते हैं ये है मिल्क, फुल क्रीम पाउडर मिल्क है. ये आपके पास कॉफ़ी ऑब्वियसली एंड शुगर. और इसमें हम सर्व करेंगे. आपको एक बॉल चाहिए होगा और आपके पास बीटर होना चाहिए. इफ़ यू डोंट हैव बीटर लाइक तो फिर आपके पास इस टाइप का बीटर हो जो कि मैनुअल है और आप इसे पुश आउट कर लें तो फिर आपका ईजिली काम हो जाएगा. एनीवेज इसको यूज़ करके अभी दिखाते हैं, ठीक है, मैनुअली और इस तरीके से भी. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और इसके साथ साथ हम दूसरा जो मिल्क है, लिक्विड मिल्क, वो यूज़ करेंगे. ये हमने एहतियातन रखा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करें. तो लेट्स अच्छा अभी हम स्टार्ट करें कॉफ़ी बनाना. तो सबसे पहले हमने जो है 1 कप को हमने नीम गर्म कर लिया है पानी. और अब हम लोग 4 टीस्पून, क्योंकि हम 4 कप बना रहे हैं, 4 कप कॉफ़ी बनाने हैं. तो अभी आप देखें 4 टीस्पून, ये टीस्पून है और टेबलस्पून ये रखा हुआ है. तो हम टीस्पून डालेंगे 4 कप्स के लिए. अभी आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि हम क्या क्या क्वांटिटी और क्या यूज़ कर रहे हैं. सो 4 टीस्पून और 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी. आई डोंट नो आज मेरी ज़बान क्यों लैक हो रही है, मैं कॉफ़ी को कॉफ़ी कह रही हूँ, बट इट हैपन्स, देर इज़ नो इशू. अच्छा जी, अब हम आ गए हैं शुगर की तरफ. शुगर जो है हमारी प्रोफेशनली अगर देखा जाए, बाहर जाते हैं तो 4 कप के लिए 4 टीस्पून टीस्पून पे हम 5 जो है टीस्पून शुगर डालते हैं, 5 टीस्पून. लेकिन आपको अगर कड़वा, कुछ लोगों को कड़वी कॉफ़ी थोड़ी सी पसंद होती है, कुछ को मीठी, तो आप शुगर का जो यूजेज है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, देर इज़ नो इशू. बट हमने, क्योंकि हमें एक नॉर्मली कॉफ़ी पसंद है, तो हम जो है इसमें हमने आपको दिखा दें, ये देख सकते हैं इस बॉल में हमने 4 कप कॉफ़ी के लिए 4 टीस्पून कॉफ़ी और 5 टीस्पून हमने शुगर डाली है. और अब हम ये देखिए नीम गर्म जो हमारा पानी था, ये 1 और 2 टीस्पून, ओनली 2 टीस्पून. अच्छा, आज मुझे ये सीक्रेट रेसिपी भी मालूम हो रही है और मेरी बेटी भी आ गई है. बिकॉज लाइक ये इस वक्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन थी और तकरीबन, हाँ जी 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 बिल्कुल. अच्छा जी, अभी आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करके, सेलिब्रेशन थी ऑब्वियसली, फायरवर्क्स वगैरह वो करके आए, तो फिर थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए हम ये कॉफ़ी अचानक से प्लान बना. तो मैंने इन्हें कहा कि नहीं, आई वॉन्ट योर रेसिपी. तो मैंने फिर अच्छा ये अब ये स्टार्ट कर रही हैं, अब शोर होगा. तो स्पेशलिटी ये है कि ये जब बीटर से इसको बीट करते रहेंगी तो अचानक इसका जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा एंड वी विल शो यू. और यही चीज़ है जिससे आपका टेस्ट इन्हेंस होता है. सो लेट्स स्टार्ट. अब ये आप करो, अब ये बीटर से कर रही हैं और इसका कलर आप देख सकते हैं ग्रेजुअली चेंज हो रहा है एंड ये बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो जाएगा. अच्छा, ये हमने अभी स्टॉप किया आपको दिखाने के लिए. ये सेकेंड स्टेप है, दूसरी अटेम्प्ट में हमने इसे रोका है और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं. ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो हमारी कंसिस्टेंसी थी उसे काफ़ी बेटर हुई है और काफ़ी मिक्स हो गया है. लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने इसको थिक करना है. और सेकेंडली इसका कलर देखें कितना खूबसूरत सा, अभी सॉर्ट ऑफ लाइक आप कह लें कैरमल टाइप और कैमल ब्राउन टाइप आया है. एंड अब हमारा और अच्छा सा कलर आएगा एंड देन वी विल शो यू इन थर्ड स्टेप. तो अभी हम दोबारा से इसको ब्लेंड करें एंड फिर उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखा. ओके जी, अब आप ये देख सकते हैं, आई कैन फील द अरोमा ऑफ दिस अमेजिंग कॉफ़ी. और ये हमारा लास्ट स्टेप था, या आप इसका वो देख रहे हैं लास्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट वाले पे हमारा डार्क ब्राउन था, सेकेंड वाले पे कैरमल ब्राउन कलर था और उसकी ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक थी, स्लाइटली थिक. बट अब जो लास्ट स्टेप है आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं हमने ये उठाया है और ये गिरेगा नहीं, इट शुड नॉट ड्रॉप. आप देख लें बिल्कुल क्रीमी, बिल्कुल क्रीमी बटर टाइप इसका पूरा कंसिस्टेंसी हो गई है, थिक, और इट शुड बी थिकर एज वेल एज लाइक इसका कलर देख लें, वाइटिश ब्राउन कह लें या बहुत ही ज़बरदस्त. एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन द अरोमा ऑफ दिस, लाइक इट इज़ अमेजिंग. एंड
आप ये देख सकते हैं, इट इज रियली अमेजिंग, इट लुक्स लाइक अ क्रीम। सो ये है असल हमारा जो सीक्रेट रेसिपी जिसको बनाने से कॉफी बनती है बड़ी जबरदस्त। अच्छा जी, ये स्पून से एक और चीज आपको बतानी है कि अगर आपके पास बीटर नहीं है, अगर आपके पास ये मैनुअल ये वाला बीटर भी नहीं है, सो देयर इज नो इशू, बट आप इसे हाथ से स्पून से भी इसको इसी तरीके से आप इसे करते रहें तो फिर आपका बन सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि काफ़ी टाइम लगेगा आपको, आपको ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग है। अभी आपने ऑटोमेटिकली चीज़ पे किया है तो फ़ौरन से हो गया, तो स्पून से भी आप कर सकते हैं ये, बट सिर्फ फ़र्क ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और आप स्पून से जब यही नीम गर्म पानी डाल के उसको बैटर को मिक्स करते रहें तब तक जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ना हो जाए। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। हमने जो है दूध बॉईल करने रख दिया है, तीन कप हमने मिल्क डाला है और वन कप ऑफ वाटर डाला है, और वो भी मिनरल वाटर ले लें आप या कोई भी जो आपका मीठा पानी होता है घर पे वो। और वो डालने के बाद हम जो है आप ये भी डाल रही हैं आई थिंक सो मिक्स कर दिया, हाँ 2 से 3 हमने ये भी डाला है, या क्रीम और पाउडर मिल्क भी हमने डाल दिया है। और ये हमारा सॉस पैन है, सॉस पैन में आप देख सकते हैं कि हमने ये डाल दिया है 3 कप जो है। अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं आप लोग, अब ये हमने रख दिया है। सो हेयर वी आर एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर कॉफी एंड इट इज रियली अमेजिंग एंड लुक्स रियली यमी एंड आई एम रियली डाइंग टू जस्ट ड्रिंक दिस एंड आई विल लेट यू नो द टेस्ट ऑफ दिस, इट लुक्स सो यमी। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे कॉफी की फाइनल लुक है और बहुत अच्छी लग रही है। ये हमारी सर्विंग जो है, ये